देखिए ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 4 tan x डॉट cot x, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन किया था कि ये 4 sin x का ग्राफ है। 4 sin x ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसके रेंज की हमने थोड़ी देर पहले बातें की है कि रेंज इसकी -4 से 4 के बीच में होगी, लेकिन सर इसके ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ इम्पोर्टेंट, वो ग्राफ बनाने के बाद बताऊंगा, और वो इस तरीके से आपकी बात जी। यहां अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि sin 4x है, ये 4 से -4 में है, इसकी जगह मैं y लिख देता हूँ क्योंकि y है, तो y क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा -4 से 4 में। तो ये आपका हो गया है y=4, और ये हो गया आपका y=-4। इतनी बातें क्लियर है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगा साइन का जैसा बनता आया है। एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं जो आपको, ग्राफ तो वैसे ही बनेगा जो बनता आया है। लेकिन सर हाँ जी, लेकिन आप सुनिएगा, इम्पोर्टेंट जो बात कर रहे हैं हम, इम्पोर्टेंट जो बात कर रहे हैं वो इस तरीके की बात होगी हमारी, इस तरीके की बात होगी कि हमने लिखा था यहाँ, हमने यहाँ लिखा था कि sin 4 tan x डॉट cos x, इसको हमने लिखा था 4 sin x बाई cos x डॉट cos x। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर ऐसा आप क्या समझाने वाले हो इस चीज में। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि नीचे कोस आ रहा है, नीचे क्या है कोस, डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोस जहां जहां 0 होगा वहां वहां ये फंक्शन अनडिफाइन होगा। सर आपने तो काट के इसको 4 बना दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोस में जो अक्ष है, कोस में जो फंक्शन वो थोड़े ना हटाया हमने, तो सर इसका मतलब क्या हुआ। हाँ ध्यान से सुनिएगा, कोस जहां जहां 0 होगा वहां वहां फंक्शन अनडिफाइन होगा। अनडिफाइन का मतलब वहां ब्रेक होगा, डिसकंटिन्यू होगा। सर आपने तो ग्राफ बना दिया, इसका डिसकंटिन्यू कैसे बनाओगे आप, क्या दिक्कत होगी, ग्राफ बना दिया तो डिसकंटिन्यू बना देंगे। हाँ साइन पहले मेरे को इतनी बात बता दीजिएगा कि सॉरी कोस अक्ष 0 कहाँ होता है, वो होता है ऑड पाई बाई टू पे, ऑड पाई बाई टू पे, और ऑड पाई बाई टू ये रहा है तो आपका ये रहा है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ यहाँ इसकी खोपड़ी में छेद होगा, यहाँ इसकी खोपड़ी में क्या होगा छेद होगा, तो यहाँ क्या होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्राफ तो साइन की जैसे ही बनेगा, लेकिन जहां जहां नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 होगा वहां वहां ये डिसकंटिन्यू होगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ कोस अक्ष मतलब डिनोमिनेटर जहां जहां 0 होगा ग्राफ वहां वहां ब्रेक होगा, क्या होगा ब्रेक मतलब डिसकंटिन्यू होगा। सर ये छोटी छोटी बातें किस लिए की जा रही है, ये छोटी छोटी बातें किस लिए की जा रही है, छोटी बात थोड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है। हम तो साइन 4 sin x का ग्राफ बना चुके थे,
लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये डिसकंटिन्यू किस कारण होगा। डिसकंटिन्यू बेटा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जहां जहां जीरो होगा वहां वहां ग्राफ अनडिफाइन होगा। अनडिफाइन मतलब वहां वहां ग्राफ ब्रेक होगा। ओहो ये इम्पोर्टेंट बात है सर। हाँ तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसका एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, आप बोल सकते हो जो बोलना चाहिए हो। सर हर जगह ऐसा ही होगा क्या? जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा, है ना? ये डी आर आपका, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं डी आर के हैं, डी आर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है?